जिला मिर्जापुर तहसील की खास खबर। मिर्जापुर की लाल डिग्गी स्थित मिलन पैलेस में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अवगत कराया गया कि एक्सल इंटरटेनमेंट, जिसके मालिक फरहान अख्तर हैं, और अमेजन प्राइम द्वारा मिर्जापुर शहर को बदनाम करने और जाति वैमनस्यता फैलाने और हिंदुओं की संस्कृति मर्यादाओं पर कुठारघात करने के उद्देश्य से सजेशन मिर्जापुर नाम से एक वेब सीरीज का निर्माण किया गया है, जिसके दो पार्ट अभी तक रिलीज हो चुकी है और तीसरे पार्ट की शूटिंग शुरू हो चुकी है। शिकायतकर्ता ने पत्रकारों से बताया कि उनके द्वारा अमेजन प्राइम पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए इस सीरीज पर पूर्ण रूप से बैन करने की बात की, जिसे स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ नोटिस जारी की है और अगली सुनवाई तक जवाब मांगा है। उन्होंने बताया कि मैंने याचिका में अन्य इस तरह की वेब सीरीज के लिए भी कानून बनाने की बात बोली है, जिससे कि इंटरटेनमेंट के नाम पर फूहड़ ऑपर और वैशीपन परोसा जा रहा है, उस पर लगाम लगे, और जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में सूचना प्रसारण मंत्रालय से भी जवाब मांगा है। इस मामले को हल्ला के राष्ट्रीय अखबार और चैनल अब तक प्रमुखता से दिखा रहे हैं, पर जो कि यह मामला जिले से संबंधित है, इसलिए जिले में भी प्रमुखता से इस बात पर होनी चाहिए। इसी उद्देश्य हेतु यह प्रेस वार्ता रखी गई है। याचिका में प्रमुख बिंदु में सत्रहवीं सेंचुरी से मिर्जापुर शहर के अस्तित्व में आने के बाद यह शहर अपनी तमाम सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिक पृष्ठभूमि के लिए मशहूर रहा है। सन 1961 में जब मिर्जापुर जिला बना तो वह यूनाइटेड प्रोविंस का सबसे बड़ा जिला था। 18वीं सेंचुरी में मिर्जापुर उत्तर भारत का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। मिर्जापुर की पिंकी पर बेस्ट शॉर्ट मूवी पिंकी को सिने जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार से नवाजा गया। मिर्जापुर के 3500 और 50 अध्यापकों ने मिलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिर्जापुर का नाम दर्ज कराया, जिसका आध्यात्मिक वर्णन वेदों में है और भी सहित अनेक कारण दर्शाए गए हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माताओं के खिलाफ शिकायतकर्ता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और प्रेसवार्ता पर पत्रकारों को मामले से कराया अवगत। जिला मिर्जापुर तहसील चुनार से ब्यूरो चीफ शाहिद आलम की खास खबर। क्या उद्देश्य है प्रेसवार्ता के? देखिए, मिर्जापुर सीरीज जो एक्सल एंटरटेनमेंट और अमेजन प्राइम ने बनाया था, और उस सीरीज को लेकर जिस तरीके से वैसी पना और मिर्जापुर को जो बदनाम करने की कोशिश करी गई है, मतलब ये साजिशन करी गई है, ये इंटेंशनली करी गई है, उसके खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर सुनवाई करते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उन लोगों को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। 8 मार्च को अगली डेट है, उसके भीतर इनको जवाब देना है। दूसरी बात, मैंने ये उसमें डाला था कि OTT प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उनका कंटेंट रेगुलराइज करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बने, जिसके लिए इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को भी नोटिस इशू किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अभी अरेस्ट ये हाईकोर्ट इलाहाबाद ने किया है, नहीं होंगे गिरफ्तार, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, एक दूसरा मामला जो FIR का हुआ है, जो ये मेरा मामला मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट का है, ये दूसरा मामला जो FIR कराई गई थी, उस FIR में जो स्टे अरेस्ट जो यहाँ से हुआ है कि आपका अरेस्ट नहीं होगा जो भी इनके डायरेक्टर्स हैं, उसके खिलाफ भी हमारी बात हो गई है। इसके खिलाफ भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करेंगे, और क्योंकि एक लगभग सेम मामले में तांडव वेब सीरीज में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे अरेस्ट देने से मना कर दिया था, तो मुझे पूरी आशा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में भी स्टे अरेस्ट जो मिला है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसको जो है उसको हम चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तीसरी जो सिक्वल आएगा उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मिर्जापुर 3 सिक्वल तो अब मुझे लगता है कि इन डायरेक्टर्स और जो भी अमेजन प्राइम के लोग हैं, सपना ही रह जाएगा, क्योंकि अब ये तीसरी वेब सीरीज तो लॉन्च नहीं होगी। कम से कम मिर्जापुर के नाम पर अब कोई भी वेब सीरीज जो कि मिर्जापुर के नाम को बदनाम करे वो नहीं होगी अब रिलीज। देखिए, अगर होगा तो जैसा मैंने 2 के लिए भी डाला था कि इसको बैन कर दिया जाए, तो डेट हालांकि लेट लगी, लेकिन अब तो ऑलरेडी डेट लग चुकी है और मामला चल रहा है, तो ये अगर इनकेस अगर डेट की आती है तो वो हम इसी मामले में जो इंटरिम रिलीफ हम सुप्रीम कोर्ट से ले लेंगे और उसको बैन मतलब लग जाएगा, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। थैंक यू।